उधम सिंह नगर के रामनगर में पिछले करीब 2 महीने से उपचार के बाद शनिवार को हाथी मोती आखिर जिंदगी और मौत के बीच जंग हार गया। काफी समय से मोती को बचाने के लिए की जा रही तमाम कोशिशें धराशायी साबित हुई। इस हाथी के उपचार में सेना के जवानों के प्रयास भी निष्फल हो गए। आपको बता दें कि सावलदे गांव में हाथी मोती के आगे के सीधे पैर में इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से वो खड़ा नहीं हो पा रहा था और अपना सारा वजन दूसरे पैर पर ही दे रहा था, जिसके चलते आगे के दोनों पैरों में काफी इन्फेक्शन हो गया था। वन्य जीव प्रेमी इमरान खान द्वारा इसका उपचार भी कराया गया और उनकी पहल पर पिछले दिनों सेना की टीम ने भी यहाँ पहुंचकर हाथी को खड़ा करने के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार किया, जिस पर यह हाथी खड़ा भी हो गया था, जिसके बाद ऐसा लगा कि अब यह जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बीच शनिवार को मोती जिंदगी और मौत के बीच आखिर जंग हार गया। इसको लेकर वन्य जीव प्रेमी इमरान खान ने बताया कि विभागीय पशु चिकित्सकों और अधिकारियों की मौजूदगी में हाथी के शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को दफन कर दिया गया।